नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो दुबई के लिए है। दुबई के लिए जो वीडियो हमने लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के दौरान हमने अपलोड किए थे, उन वीडियोस में जो प्रोफाइल्स बताई गई थी, उन प्रोफाइल्स में सिर्फ हेल्पर प्रोफाइल रहेगी, वो अभी हम प्रोसेस करने वाले हैं और इनका प्रोसेस जल्दी ही शुरू होने वाला है। अभी तक हमें क्लियर गाइडेंस नहीं मिला था और अभी हमें क्लियर गाइडेंस कुछ मिल गया है, कुछ मिलने वाला है। अभी हमने मेक माई ट्रिप पर देखा तो जल्दी ही दुबई की फ्लाइट्स भी चालू होने वाली है, 17 तारीख से फ्लाइट दिख रही है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया क्योंकि जैसे भी ये जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग खत्म होगा, हम विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा वाले प्रोसेस चालू कर देंगे। दोस्तों, अभी बाकी प्रोफाइल्स में वर्कआउट नहीं होगा, सिर्फ हेल्पर प्रोफाइल्स में, जैसे किचन हेल्पर, मॉल हेल्पर और पैकिंग हेल्पर प्रोफाइल के लिए हम कैंडिडेट्स को ले जाएंगे। सैलरी बिल्कुल सेम रहेगी जो पहले बताई थी, 1000 से 1200 के बीच में रहेगी। ड्यूटी आवर्स रहेंगे 9 घंटे, उसके ऊपर ओवरटाइम मिलेगा, फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इसमें जो प्रोसेस होगी वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा के तहत होगी। इसमें जो विजिट वीजा मिलेगा, विजिट वीजा मिलने के बाद हम जब यहाँ से जाएंगे, पहले के नॉर्मल प्रोसेस में 1 वीक जैसा समय लगता था, अभी 1 वीक की जगह 2 वीक जैसा समय लगेगा, क्योंकि जो कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। इसलिए अब जब भी हम यहाँ से जाएंगे तो विद इन 2 वीक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उस दौरान जो उनको एकोमोडेशन का अरेंजमेंट होगा वो हम लोग अरेंजमेंट करवा के देंगे। फूड उनको खुद अरेंज करना होगा। सैलरी सेम रहेगी जो मैंने पहले अनाउंस की थी, 1000 से लेकर 1200 के बीच में, और ओवरटाइम अलग से रहेगा उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, जितना भी काम करेंगे उसके हिसाब से, मीन्स टाइमिंग के हिसाब से रहेगा, बट जितना भी टाइम देंगे उसी के हिसाब से उनको ओवरटाइम मिलेगा। ओवरटाइम का पेरोल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लगभग ये 1.5 गुना जैसा होता है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने शेयर की है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि प्रोसेस चालू होने वाला है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकते हैं और बहुत जल्दी वीजा इश्यू होना चालू हो जाएगा। और जो भी फ्लाइट चालू हो जाएगी उसके बाद हम अगला स्टेट, अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए हेल्पर प्रोफाइल के लोग जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, क्योंकि अभी शुरू में हम लोग 20 लोग लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ 10 लोगों का बैच बना के ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमें भी सावधानी बरतनी होगी। 10 लोगों को लेके जाएंगे, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आगे दूसरे लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, बुलाएंगे या फिर दोबारा दूसरा बैच ले जाएंगे। इसलिए अभी जो लोग भी हेल्पर प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, प्रोसेस को कंप्लीट करें और जैसे भी प्रोसेस चालू होता है वो जाने के लिए रेडी रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।